Hey awesome people, welcome back to my YouTube channel and this is your Iftar Ahmed हमेशा की तरह। तो कैसे हो सारे लोग, आई होप everyone इज डूइंग गुड। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाला, आज हम करेंगे थोड़ा सा बातें किसके बारे में, बेंगलोर सिटी के बारे में। मैं बेंगलोर में आए हुए लगभग 1.5 मंथ या फिर 2 महीने भी कह सकते हो, 2 महीने के आसपास मेरा हो गया है बेंगलोर सिटी में आए हुए। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था बेंगलोर सिटी में एंड हाउ इज़ बेंगलोर सिटी, क्योंकि मैं हूँ गुवाहाटी से, मैं गुवाहाटी से आया हूँ एंड आई ट्राई टू कंपेयर दिस। तो पहली बार जब मैं पहली बार बेंगलोर पे कदम पड़ा मेरा थोड़ा सा लगा कि हाँ, मैं कोई बाहर कंट्री तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ बहुत ही क्लीन एक सिटी में आके पैर रखा हूँ, ऐसा मेरे को फील आया। एंड सबसे प्यारी चीज़, जब मैं मतलब स्टेशन से रूम तक आ रहा था, तब मुझे एक चीज़ मेरे को एक चीज़ नोटिस हुआ, वो चीज़ था क्या कि कंपेयर कर देता हूँ पहले कि दूसरे जगह पे क्या होता है कि जब रोड जाती है साइड में फुटपाथ तो रहते हैं, बहुत जगह पे नहीं रहते, लेकिन फुटपाथ के लिए क्या करते हैं कि अगर फुटपाथ में कोई पेड़ वगैरह होता है तो उसको काट के साफ़ कर दिया जाता है नीचे से, एकदम जड़ से। तो जिसके वजह से मतलब फुटपाथ में कमी पेड़ पौधे, अगर बहुत बड़ा कोई पेड़ पौधा है वो अलग बात है, लेकिन इधर आके मैं हर एक फुटपाथ पे देखता हूँ कि मतलब पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, मतलब ग्रीनरी मेंटेन करके रखा है। अगर डेवलप भी किया है तो उसके साथ ग्रीनरी को भी मेंटेन करके रखा है, जो बहुत बड़ी बात है आजकल की, मतलब अभी की जो सिचुएशन है थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चल रहा है, लेकिन बेंगलोर बहुत टाइम पहले से ही ग्रीनरी को मेंटेन करके आ रहा है, जो मुझे सबसे प्यारी लगी और सबसे अच्छी लगी मेरे को। क्योंकि पहली बात, मैं नेचर से बहुत कनेक्शन रखने वाला बंदा हूँ, तो इसीलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब मैं टेरेस से रोड्स को देखने की कोशिश करता हूँ तो पूरा सिर्फ मुझे पेड़ ही पेड़ नज़र आते, क्योंकि रोड क्लियर दिखते नहीं, इतना ज़्यादा पेड़ है उधर, मतलब बड़े बड़े पेड़ है, साथ में छोटे छोटे भी है, ऐसा नहीं कि बड़े को रखा गया छोटों को काट दिया, ऐसा नहीं, छोटे पेड़ भी है। वो पता नहीं कैसे मैनेज किया, बट बहुत अच्छा मैनेज किया। और सेकेंडली, जब मैं यहाँ पर आया तो लग्जरीनेस मेरे को बहुत दिखी। मैं यहाँ पे शिवाजी नगर पे आया था, अभी भी मैं फ़िलहाल में शिवाजी नगर पे हूँ, तो लग्जरीनेस जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी, क्योंकि 2 कदम चलो भाई रोल्स रॉयस, 2 कदम चलो भाई फरारी, 2 कदम चलो तो फिर भाई मर्सिडीज़, ओडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब कॉमन कार्स है, मतलब जो स्पोर्ट्स कार है वो आप एक्सपेक्ट करते हो। हम लोग का गुवाहाटी में क्या होता है कि अभी थोड़ा बहुत कह सकते कि हाँ ओडी वगैरह थोड़ा बहुत कॉमन हो गया, लेकिन उतना नहीं, लेकिन इधर पूरा कॉमन। जैसे हम लोग का उधर स्विफ्ट डिजायर या फिर बोलेरो हो गया या फिर एल्टो हो गया, एल्टो 800 हो गया, ये सब कॉमन कार है, वो वैसे ही इधर बीएमडब्ल्यू, ओडी, मर्सिडीज, ये सब कॉमन कार है। एंड जो स्पोर्ट्स कार है वो बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन दिखती रहती है, ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स कार भी बहुत कॉमन हो गया है बेंगलोर में, क्योंकि यहाँ पे रिचनेस बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है, क्योंकि मैं श्योर नहीं कह रहा कि यही है रीज़न, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे इंडिया में जितने भी आईटी सेक्टर है सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज इधर ही है, मतलब बेंगलोर में है, तो ये एक रीज़न है, क्योंकि सब लोग इधर ही पैसा कमाने आते हैं एंड आईटी सेक्टर में, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, उधर से ही माला माल होते हैं, तो ये एक रीज़न है। एंड बेंगलोर बहुत डेवलप है, मतलब बाकी जगह से कंपेयर करूँ तो बहुत डेवलप है। तो उसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जब बिजली आई थी तो सबसे पहले बेंगलोर सिटी में आई थी, तो बेंगलोर सिटी के लिए पहले मतलब बिजली का मतलब उत्पादन हुआ था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बेंगलोर डेवलप, जल्दी डेवलप होने की, तो ये भी एक है। बट
बट देयर इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो, आई मीन जो मुझे पसंद नहीं आया बेंगलोर के बारे में यहाँ आकर, जिसकी मुझे रास्ते अच्छे लगे, शहर अच्छा लगा, ग्रीनरी अच्छी लगी, काफ़ी सारे चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे चीज़ भी है जो स्पेशली मैं मेंशन करके बताना चाहूँगा। अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट बेंगलोर के जो लोकल्स लोग होते हैं, आई मीन जो कनाडा लोग होते हैं, उन लोगों का मतलब बोलने के तरीके में मतलब उतना मिठास नहीं है। अब मैंने पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है। फर्स्ट टाइम मैं जब आया था उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आ जाता है मेरे को समझ में। तो बोलने में उतना एक मिठास होती है ना, एक बोलने में एक मिठास होता है हर बंदे का, एक बंदे से पेश आने की एक मतलब तरीका होता है, वो तरीका इतना खास नहीं लगा, जो मैं बहुत मिस करता हूँ, जो हम लोग का असम में या गुवाहाटी में बहुत है। आई मीन हम लोग का जो SMS है, लैंग्वेज है, या फिर उधर बंगाली भी बहुत चलता है, SMS बंगाली दोनों भी मतलब अच्छा है, यू नो मिठास है, कोई किसी से बात करता है तो मुंह पे एक मिठास रहती है। यहाँ पे वो चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत कड़क कड़क बात करते हैं, मतलब खटकती है ऐसा, मतलब लगता है कोई किसी को बुला भी रहा है तो ऐसा लग रहा है कि धमकी दे रहा है, तो वो चीज़ मुझे एक थोड़ा सा ख़राब लगा। बट ये ख़राब लगने की बात नहीं है कि मैं नया बंदा हूँ शायद इसीलिए मुझे ख़राब लगा, बट ये शायद उनका तरीका हो। पर नारियल जैसा, यानी कि बाहर से कठोर और अंदर से नरम, वैसा भी हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा उतना गौर नहीं करते, लेकिन जो मैंने नोटिस किया मैंने वो बताया। बाकी बेंगलोर में तो सब मस्त है, आप भी आ सकते हो इनकम के लिए, या फिर घूमने के लिए भी आ सकते हो। घूमने के लिए उतना ज़्यादा जगह नहीं है आई थिंक, बट मैं देखूँगा थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के क्या कहाँ क्या मिलता है घूमने के लिए, क्योंकि मैं आया हूँ जो अभी तो एक्सप्लोर करूँगा ही, बिकॉज़ मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो लगभग 2 महीने पहले की है, आई मीन 2-1.5 महीने पहले की है, पर उसके बाद से ये व्लॉग आ रहा है, व्लॉग नहीं, ये थोड़ी सी बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो है। यो उसका रीज़न है, मुझे जॉब मिल गई थी एंड मैं जॉब करने चला गया था, एंड इवन मैं फिर से अभी वो जॉब छोड़ दिया एंड फिर मैं वापस आ गया, शायद अभी कंटिन्यू करूँगा, या आप लोग साथ देते रहना। तो वीडियो कैसा लगा बताना, मैंने कुछ बेंगलोर के बारे में कुछ गलत कहा हो तो आई एम सॉरी, बट जो है मुझे जो फील आया मैंने वो बोला। तो आप भी बेंगलोर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हो, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा रिव्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना ना, हाँ सब्सक्राइब कर दो यार ज़रूर से, बस दैट्स इट। तब तक के लिए मस्त रहो, सेक्सी रहो एंड मज़े में रहो, बाय।